हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अभी सुबह के 3:24 हो चुके हैं और हम यूट्यूब के पहले रोड ट्रिप पे जा रहे हैं। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पहली बार मैं यूट्यूब के रोड ट्रिप पे जा रहा हूँ, किसी इवेंट पे नहीं जा रहा हूँ। और स्पेशली ऐसी जगह जा रहा हूँ कि मेरा बहुत मन था कि मैं वहाँ पे जाऊँ। जाना तो पहले से चाहता था पर टाइम ही लग पाया, किसी वजह से नहीं जा पा रहे थे, लेकिन आज फाइनली हो गया है। सो हम चल रहे हैं और आप भी हमारे साथ चलिए और इस रोड ट्रिप का मज़ा लीजिए। सो मिलते हैं आपको ऑन द वे। हमारी रोड ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है और गाड़ी में हम बैठ के निकल चुके हैं और बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है मुझे वहाँ जाने की। एक्चुअली जिस ट्रिप पे मैं जा रहा हूँ, ये मेरी बहुत 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 मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन है। ये जब भी मुझे मौका लगता है मैं यहाँ निकल जाता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है वहाँ जाके। सो मैंने ये डिसाइड किया था कि जब मैं अपना यूट्यूब चैनल शुरू करूँगा तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लेके चलूँगा, पर लेकिन किसी वजह से नहीं जा पाए। सो फाइनली आज वो दिन आ गया कि हम वहाँ जा रहे हैं। सो आपको भी ट्रिप करवाते हैं, आपको भी दिखाते हैं। गाइस, आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि रात में ये 3 बजे मुंह उठा के कहाँ चल दिया ये। एक्चुअली क्या है ना, कोई भी जर्नी आप जैसे जैसे मेरा ब्लॉग देखना शुरू करेंगे ना, पता लगना शुरू हो जाएगा मेरा नेचर क्या है एक्चुअली। सो मुझे रात को ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी निकलता हूँ तो रात को ही निकलता हूँ ताकि मुझे रास्ते में ट्रैफिक ना मिले। मैं ट्रैफिक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसी वजह से मैं मॉर्निंग में कभी गाड़ी लेके भी नहीं निकलता हूँ, सिर्फ ट्रैफिक की वजह से दिल्ली में। और बहुत कभी फंसी होती है तो फंसी में मैं जाता हूँ, सिर्फ इसी वजह से मैं रात को ट्रैवल करता हूँ कि मुझे रात बहुत पसंद है, रात में ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। सो इसलिए हम ट्रैवल करते हैं नाइट में। ये आप याद रखिएगा हमेशा, जब भी हम ट्रैवल करेंगे नाइट में करेंगे, और जब कभी मॉर्निंग में करेंगे तो बहुत फंसी होगी तभी हम करेंगे, और तभी आपको मैं बताऊंगा कि कब फंसी हुई है। ओके फ्रेंड्स, अभी हम रुके हैं मैकडी में। सो यहाँ से कुछ खाने को लेते हैं और फिर आगे के लिए निकलते हैं। हम रुके हैं पेट्रोल डलवाने के लिए और यहाँ पे हमें मिले भैया जी। भैया जी नाम क्या आपका? करण सिंह। थोड़ा जोर से बोलो ना। करण सिंह। अच्छा, करण सिंह हो गया जी। तो करण सिंह जी बड़े शर्मा रहे हैं, कह रहे मुझे वीडियो में नहीं आना है, बच्चे देखेंगे, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं पापा वहाँ पे। अरे कुछ नहीं, मेहनत कर रहे हो आप अच्छे से यार। हो गया जी। तो करण जी एक बार हाय हाय तो बोल दो। चलिए, करण जी बड़े शर्मा रहे हैं। और बाहर जो है बहुत ही ठंड है, पेट्रोल हमने डलवा लिया है और आगे के लिए हम निकलते हैं। अभी जो जो रास्ते में होता है और हम किस किस रास्ते से होकर जा रहे हैं मैं वो भी आपको बताता रहूँगा। सो अभी हमने मानेसर क्रॉस किया है, मानेसर के बाद हमने पेट्रोल डलवाया है। सो आगे चलते हैं और आपसे बात करते रहते हैं रास्ते में। We'll be right back.
आपसे ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखता और आपको बता देता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ श्री बालाजी धाम सालासर। बचपन से मैं यहाँ आ रहा हूँ और मेरी बहुत श्रद्धा है यहाँ पे। ज़िंदगी में जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, जहाँ भी हूँ, सब इनकी वजह से हूँ और बहुत खुश हूँ। मेरा बहुत मन था कि जब मैं YouTube चैनल शुरू करूँ सबसे पहले मैं यहाँ बालाजी गया हूँ दर्शन करने, सालासर बालाजी के। सो नहीं मौका लग सका। तो मैं पहले दिमाग में यही था कि पहला वीडियो मैं इन्हीं का डालूँ, नहीं डाल पाया, निकलना ही नहीं हो पाया कि काम की वजह से या कुछ ऐसा। तो फाइनली मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सोचा कि पहले ही सबसे पहले बालाजी के दर्शन करके आते हैं और आपको भी करवाते हैं, ताकि जो भी हो, जैसा भी हो आगे, हमारे साथ उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और जो लोग, वैसे तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया जानती है सालासर बालाजी धाम को, पर लेकिन जिनको अगर कुछ एक अगर ऐसे हों जिनको नहीं पता कहाँ है, कैसे है, कैसे आया जाता है, सो ये मैं आपको सारा मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। दिल्ली से हम चलते हैं, दिल्ली से रेवाड़ी, रेवाड़ी से नारनौल, नारनौल से लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़ से सालासर। राजस्थान में बहुत ही प्यारी जगह है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मन में इतनी शांति मिलती है, आप ये लेके चलिए कि जो आत्मा है ना, आत्मा इतनी हल्की हो जाती है कि मतलब दिमाग से सब चीज़ें ख़त्म, कोई टेंशन है, कोई कुछ है, कुछ भी नहीं दिमाग में रहता, सिर्फ और सिर्फ खाली दिमाग और परमात्मा। तो इसलिए मेरा यहाँ से इतना गहरा कनेक्शन है बचपन से ही। मैं आपको वो चीज़, क्या फीलिंग है मेरी यहाँ पे आके, मैं आपको वो फीलिंग मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। सो कभी भी आपका मौका लगे आप ज़रूर आइए यहाँ पे। आपके दिल में जो भी इच्छा है, कुछ भी इच्छा है, और आपको लगता है कि वो कुछ किसी वजह से नहीं हो पा रही, कुछ ऐसा है, तो यहाँ आके एक बार दर्शन कीजिए और वो ज़रूर पूरी होगी आपकी। क्योंकि मेरी आज तक जो मैंने मांगा, जैसा मांगा, मुझे सब मिला। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ज़िंदगी में मुझे नहीं मिली, जो इन्होंने मुझे नहीं दी। इसलिए मैं आपसे मैं वो शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी आएँ, बालाजी के दर्शन करें सालासर में। सो हम अभी सालासर पहुँच चुके हैं। आपको भी यहाँ की सड़कें, गलियाँ, दुकानें सब दिखाते हैं आपको। तो मेरे जो उल्टे आप जो देख रहे हैं आप, ये बालाजी का मंदिर है ये वाला। और यहाँ से हम जा रहे हैं अभी होटल की तरफ। आप होटल नहीं कह सकते, यहाँ पे जो धर्मशालाएं हैं वो भी होटल जैसी ही हैं। आपको दिखाते हैं सब। पहुंच गए अपनी धर्मशाला में और मैं तब तक चाबी वाबी और रूम का इंतज़ाम करता हूं। मैं अभी राम स्वरूप धर्मशाला में हूं और मेरे साथ जो यहां पे करता रहता, जो यहां पे मैनेज करते हैं सब चीज़ें, सोनी से उनका नाम पूछते हैं। सर जी, क्या नाम आपका? सुभाष चंद्र जी। सुभाष चंद्र जी, धर्मशाला कब से है यहाँ पे? 94 से। जब मैं पहले यहाँ पे आता था तब तो यहाँ पे मतलब ये, मतलब आपको ये धर्मशाला बगल में जो है और ये वाली, ये दो ही होती थी। और आप सच मानिए, धर्मशाला कम है, ये होटल ही लगता है। ये जब भी आप आएंगे काफ़ी अच्छा लगेगा। आपको सारा दिखाते हैं धीरे धीरे यहाँ पे और बालाजी के दर्शन भी करवाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है दर्शन जी, थैंक यू सो मच। हम सालासर बालाजी धाम पहुँच चुके हैं, अपने रूम में भी आ चुके हैं, हमने चेक इन कर लिया है। और इससे आगे हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी इसलिए इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।